भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं जिंदगी की राहों में, रंज गम मेरे जिंदगी की राहों में, रंज गम मेरे कहा है, तो द्वारपालों ने कहा ए, कौन है तू? तो सुदामा कहने लगे, क्या कहने लगे? बचपन में हम बचपन में हम दोनों साथ साथ खेले, अरे बचपन में हम दोनों साथ साथ खेले, बचपन में हम दोनों साथ साथ खेले, बने एक गुरुकुल में, बने एक गुरुकुल में, एक गुरुकुल में, चेले हैं बचपन में हम दोनों साथ साथ खेले, बचपन में हम दोनों साथ साथ खेले, बचपन में हम दोनों साथ साथ खेले, बड़े एक गुरुकुल में, बड़े एक गुरुकुल में, बड़े एक गुरुकुल में एक गुरु के खेले हैं, बचपन में हम दोनों साथ साथ खेले हैं। बचपन में हम दोनों साथ साथ खेले, बचपन में हम दोनों साथ साथ खेले, बचपन में हम दोनों साथ साथ खेले। दया के जगत नियंत्र सबका दीन बंधु है, परमेश्वर प्रतिपालक कृपा दृष्ट सिंधु है, तो वो ईट सोने की, वो ईट सोने की हम मिट्टी के, अरे वो ईट सोने की हम मिट्टी के, वो ईट सोने की, वो ईट सोने की, वो ईट सोने की हम मिट्टी के, बचपन में हम दोनों
साथ साथ फिरे बचपन में हम साथ साथ फिरे मुझको ढकेला है किसन तो करोड़ों में किसन तो करोड़ों में देखिए मामा की कृपा है सभी कभी तो मेरी सही नहीं आपके सामने आपका प्यार खींच के लाया कोशिश की मैंने सही रात और हिमा माई की कृपा तो आपको आनंद भी देता रहा सही रात लेकिन मेरी आवाज पहले से ही स्वास्थ्य का बड़ा इसलिए तो कहा किसी तो करोड़ों में किसन तो करोड़ों में सुदामा किसन तो करोड़ों में सुदामा अकेले है बनों में हमारे साथ साथ फिरे है बनों में हमारे साथ साथ फिरे है द्वारपाल कह दो बो द्वारपाल कह दो सुख राशि करवाता विघ्न हरण मंगल मूर्त खोले दीपक मोक्ष दो क्या बहुभोग मोहन हम बहुभोग मोहन हम करो वे करेले बचपन में हम दोनों अरे बचपन में बचपन में हम दोनों साथ साथ खेले हैं एक गुरुकुल में एक गुरु अरे बड़े एक गुरुकुल में एक गुरु खेले है अरे एक गुरुकुल में एक गुरु खेले
छोटा भाई जो पीछे गा रहा ये गाएगा आपके समक्ष बहुत प्यारा सा गीत। आइए यहीं से गा दूंगा, कोई बात नहीं। नहीं 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 अच्छा नहीं लगता है बड़े भाई, समझो यहीं से गा दूंगा। आइए समय का वक्त है, एक सुंदर सा गीत। वैसे मैं बड़े भाई राजेश नादान का छोटा भाई हूँ और नादान से भी अधिक नीचा पल्ला किसका होता है आप सब जानते हैं, इसलिए एक छोटा सा गीत मेरी तरफ से। आइए प्रथम गुरु को वंदना, दूजे भोलेनाथ, तीजे माता शारदा झुक चरण नवामा, हंस बाहिनी माँ मेरी मैया दे मुझे वरदान, सरस्वती स्वर कंठ का आज भी जियो ज्ञान। एक माँ के चरणों में बड़े भाई सुरेंद्र भैया जी, और गीत बहुत सुंदर। आइए कि माँ की ममता महामानव ने मानी है, माँ की ममता महामानव ने मानी है, जो माँ की ममता न माने वो महा अभिमानी। आइए मोनू भाई माँ के चरणों में एक सुंदर सा गीत। कि माँ की ममता न माने वो महा अभिमानी है, गाते मनोज जो शब्द अपने लफ्जों से तो मेरी नहीं मेरी माँ की मेहरबानी। दुर्गे मैया की एक बार ऐसे नहीं, सभी ऊंचे ऊंचे हाथ उठा के देखो, ऐसे बैठी हैं जैसे टीवी देख रहे आई हैं। मनोज बेटा दरबार की, आइए मनोज बेटा। हाँ जी, एक बात ही भ्राता श्री भी कहना चाहते हैं कि पहले तो तेरे द्वार पर आया नहीं जाता, आ भी जाता हूँ द्वार से तो जाया नहीं। एक माँ वो है जाने सृष्टि रचा वो है, खाने पीने को प्रबंध करे आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती। आइए एक बहुत सुंदर गीत माँ के चरणों में। के रखे नौ माँ नौ माँ आदरणीय सम्मानी बड़े भाई सुरेंद्र जी अनाड़ी जी की तरफ से, और 10 रुपए मेरे बड़े भाई राजू भाई राजू अंजाना की तरफ से, और ये मुझे आशीर्वाद की रूप में ये मुद्राएं, और 20 रुपए हमारे बड़े भाई ठाकुर साहब मोनू सिंह रुद्रगढ़ी फरीदाबाद से, और ये आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कहना है माँ के चरणों में। रखे नौ मास करब माता फर्ज होता है, रखे नौ मास गर्भ माता फर्ज होता है,
रखे नौ मास गर्भ माता फर्ज होता है, माँ की ममता का बेटों पे फर्ज होता है, माँ की ममता बेटों पे फर्ज होता है, माँ की ममता बेटों पे फर्ज होता है। सुनिएगा, पहली माँ कौन है? एक माँ धरती है जिस पे इंसान चला, एक माँ धरती है जिस पे इंसान चला, एक माँ वो है जाने सृष्टि रचाए गई, भेद के बुलावा अपने दर पे बुलाती है, दर पे बुलाती है, दर पे बुलाती है, एक माँ वो है खाने पीने का प्रबंध करे, आखिरी समय पे अपनी गोद में सुलाती है, इसलिए कह रहा है एक माँ धरती है जिस पे इंसान चला, एक माँ जग जननी माँ की कोखों में पला, एक माँ जग जननी माँ की कोखों में पला, माँ का रट नाम ले तेरा क्या हर्ज होता है, माँ का रट नाम ले पैसा ना खर्च होता है, माँ की ममता का और बेटों पे खर्च होता है, माँ की ममता का बेटों पे खर्च होता है। आइए एक माँ और है मोनू भाई, बता बेटा। एक माँ गंगा है हर हर गंगे, ओ हर हर गंगे, हर हर गंगे, सुरेंद्र भैया। विद्वान कहते हैं कि हमने देवी देवता आज तक नहीं देखे, ये लोग कहते हैं दुनिया वाले कि हमने देवी देवताओं को नहीं देखा, लेकिन मैं कहता हूं गुरु कृपा से कि देवी देवता इन सब लोगों के सामने साक्षात प्रमाण है। अब प्रमाण क्या है ये सुनिएगा मनोज बेटा। ताज में है विश्व ताज, ताज ममताज है, और ताजमहल जैसा कहीं चित्र नहीं मिलता, विश्व में है शिव ताज, ताज ममताज है, ताजमहल जैसा कहीं चित्र नहीं मिलता, और बेला गुलाब जूही चमेली में इत्र है, पर बेला गुलाब जैसा इत्र नहीं मिलता। और ये खास बात, गंगा और जमुना चित्र है, स्वार्थ का मित्र है, कृष्ण और सुदामा सा मित्र नहीं मिलता, कृष्ण और सुदामा का मित्र नहीं मिलता, कृष्ण और सुदामा का मित्र नहीं मिलता। इसीलिए कहना है अन्य जल को एक बोतल में रख दिया जाए और गंगा जल एक बोतल में रख दिया जाए तो अन्य जल खराब हो जाएगा, लेकिन गंगा जल खराब नहीं होगा। प्रेम से कह दो गंगे मैया की जय। और ये 20 रुपए का पुरस्कार मेरे आदरणीय मास्टर जी बछनाम से आशीर्वाद की शुभकामनाएं कहता है। एक माँ गंगा है जो तारण तरणी है, सुरेंद्र भैया,
एक माँ गंगा है, एक तारण तरणी है, एक माँ जमुना भी वेदों में वर्णी है, लेकिन नाम तीनों का गंगा जमुना सरस्वती, अरे नाम तीनों का लेखों में दर्ज होता है, नाम तीनों का लेखों में दर्ज होता है, माँ की ममता का बेटों पे कर्ज होता है, माँ की ममता का बेटों पे कर्ज होता है। आइए और ये 20 रुपए का आशीर्वाद आदरणीय चाचा जी की तरफ से सुरेंद्र भैया। एक माँ सीता है जो राम को ब्याई थी, एक माँ गैया है कृष्ण ने चराई थी, लेकिन विद्वान कहते हैं गाय हमारी माता है, क्योंकि गौ माता को माँ कहा जाता है। और आज तुम देख रहे हो गांव की हालत क्या हो रही है। एक माँ सीता जी राम को ब्याई थी, एक माँ गैया भी कृष्ण ने चराई थी, लेकिन गाय का दूध पी कोई ना मर्ज होता है। और प्यारे गाय का दूध तो बहुत बड़ी बात है बड़े भाई, लेकिन विद्वान कहते हैं कि गाय का मूत्र भी दबा के काम में बताया विद्वानों ने। मनोज बेटा मूत्र कहते हैं मनोज। हाँ जी माँ साहब, एक बात माँ साहब जी भी सुनो। हाँ बिल्कुल। कि कर्म करे आदमी तो भाग्य बदल सकता है, कि कर्म करे आदमी तो भाग्य बदल सकता है, और योनियों के सागर से पार निकल सकता है, क्योंकि कर्म ही पूजा है, कर्म ही समाज है। और एक बात और लगी है विद्वानों ने कि कर्म से हर आदमी का, कि कर्म से आदमी का कि कर्म से हर आदमी का पाप धुला है, और पापी ही लेता अपनी मौत बुला है। मनोज कि सत्यता की राह पर जो भी तुला है, और उसके लिए परमात्मा का दरवाजा भी खुला है। इसलिए एक माँ सीता है राम को ब्याई थी, एक माँ गैया है जो कृष्ण ने चराई थी, गाय का दूध पी कोई ना मर्ज होता है। और ये लास्ट बात सबके सामने ये छोटा सा बालक, कोई भी गलतियां हो इस गीत में क्षमा करें बेटा समझ करके। हाँ जी सुरेंद्र भाई। एक माँ लक्ष्मी है जो धन का दान देती है, एक माँ शारदे मुझे स्वर का ज्ञान देती है, और गीत संगीत में प्रमोद स्वर खर्च होता है। आदरणीय मेरे गुरुदेव प्रमोद जहरी जी अलीगढ़ वाले, उनके चरणों में बार बार नमन, जो ऐसा की लिखा मेरे गुरुजी ने, और बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी सबसे बार बार गुरु के लिए प्रणाम। और ये 100 रुपए का आशीर्वाद श्रीमान संत कुमार सिंह हाजीपुर नेरा से, ये 100 रुपए का आशीर्वाद देते हैं। आशीर्वाद की शुभकामना कहते हुए कहना है, गीत संगीत में प्रमोद स्वर खर्च होता है, रखे नौ मास गर्भ माता फर्ज होता है, माँ की म
ममता बेटों पे कर्ज हो अरे हेलो सावन की भीगी रातों में जो फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में मैनू याद आवा मैनू याद आया मैनू याद आया मैनू याद आया सावन की भीगी रातों में जब फूल खिले बरसातों में जब छेड़े सखियां बातों में मैनू यादां औदियां रानियां में मैनू यादां मैनू यादावा ये हमारे हमारे परम मित्र दोस्त कुछ विचार रखना चाहते हैं। आइए भैया। पहले तो यहाँ पे जो बैठे हमारे बड़े बुजुर्ग लोग का मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी बात बोलने का मौका दिया है।